हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा एसिडिटी के कुछ घरेलू उपचार। तो उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जाके मैं जो भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल का ऑप्शन होगा, आप उसको ज़रूर से क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कोई नया आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए। तो आइए जानते हैं कि घरेलू उपचार एसिडिटी के लिए। तो जैसे कि नॉर्मली हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम लोग नहीं जानते उसके बारे में, तो जैसे कि उससे हमें एसिडिटी से आराम मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना है, एसिडिटी क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पहले जानेंगे। मतलब एसिडिटी कब होता है, जैसे कि पहले हम लोग कुछ नॉर्मली खाना वगैरह इधर से हो गया तो वहाँ पे जैसे कि वो एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैसे होता है, जब ये स्राव तेज हो जाता है तो हम अंदर से ही ऐसा महसूस होता है कि हमारा से सीना जल रहा है, पेट जल रहा है, अजीब सा फील होता है। तो ऐसे फील होने से हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हुआ है। तो ये किस लिए होता है ये देखेंगे। ज़्यादातर हम लोग अगर स्पाइसी वाला खाना खाएं, मसाले वाला खाना खाएं, जैसे तीखा हो या फिर ज़्यादा स्पाइसी मसालादार खाना खाते हैं, तो इससे भी हमें हो सकता है। जैसे सूखा मिर्च, लाल मिर्च, ये सब में आपको एसिडिटी होती है, तो इनको आप अवॉइड करें ताकि आपको एसिडिटी ना हो, इससे बचे एसिडिटी से। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कि कॉफ़ी, आप जो अगर आपको हैबिट है आपको कॉफ़ी पीने की, तो आप उसको इग्नोर करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कॉफ़ी से एसिडिटी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो आपको जलन होगा आपको चेस्ट में या पेट में, तो आप उसको अवॉइड करें। आपको अगर इतना टी पीने का हैबिट है तो मैं सलाह दूंगा आपको कि ग्रीन टी पिए आप, तो ग्रीन टी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वैसे आप पुदीना का पत्ता भी वहाँ पे डाल के आप उसको पी सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी एसिडिटी से और फॉर्मेशन में एसिडिटी का वो भी कम होगा। और एक चीज़ जो कि है हम लोग शायद यूज़ नहीं करते, रोज आप अगर थोड़ा सा हल्का सा मतलब तो गर्म पानी आप पियेंगे तो उससे आपको भी एसिडिटी में कम आएगी, और उससे और एक बेनिफिट मिलेगी आपको कि आपका जो बेली में आपको जो फैट होता है उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगी, और एसिडिटी से तो मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या खाने से, आप अगर रोज हो गया वाटरमेलन, ये तो हमेशा नहीं मिलता, आपको सीजनल मिलेगा, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। फिर आ गया खीरा, तो खीरा में क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं, ये तो रेगुलर हर दिन आपको मिलेगा, 12 मंथ्स आपको मिल ही जाएंगे, और तो आप इनको यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिटेड रहेगा। और एक रह गया बनाना, बनाना भी आपको 12 मंथ्स हर दिन मिलेगा, तो इसको भी आप अगर रेगुलरली आप यूज करेंगे तो इससे भी हो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और रही बात वो नारियल का पानी, आपको अगर एसिडिटी होता है तो आप नारियल का पानी पीने से आपको उससे राहत मिलेगी, और रोज आप अगर 1 ग्लास मिल्क पियेंगे, वो ड्रिंक करेंगे, तो आपको उससे भी बहुत सारी फायदा मिलेगी, और जो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उससे आपको थोड़ी सी हल्की राहत मिलेगी। तो ज़रूर से ना भूलिए डेली 1 ग्लास दूध पीना, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेगी, आपको इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, आपको हेल्थ भी मिलेगा, आपको स्टेमिना मिलेगा, सब चीज़ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मिल्क में आपको बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भरे हुए हैं। और एक चीज़ जो सोने से पहले हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रात को हम लोग खाना खाते हैं फिर रात को सो जाते हैं तुरंत, और ये सबसे बैड हैबिट है, इससे हमें क्या होता है एसिडिटी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले रोज़ आप ये हैबिट डाल दीजिए कि आप 2-3 घंटे पहले ही आप अपना डिनर करें, फिर आप सोने के लिए आप जाएँ, तो उससे आपको एसिडिटी से राहत मिलेगी, या फिर आपको ज़्यादा फॉर्मेशन होता है तो उससे कम होगी। तो नेक्स्ट हो गया, जब आप भोजन के बीच में अधिक गैप डालते हैं, जैसे कि हम लोग सुबह का नाश्ता हो गया, फिर उसके बाद में लंच के बीच में अगर बहुत सारी गैप हो गई तो उसमें भी ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि खाली पेट में क्या होता है एसिड सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो इससे हमें जलन होती है, एसिडिटी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा गैप नहीं डालना चाहिए। तो उस बीच में हमें क्या करना है कि जैसे अगर हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है तो हमें उस बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाना चाहिए, जैसे कि बिस्किट हो गया हो, जैसे फ्रूट्स हो गया हो, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, उससे आपको एसिडिटी नहीं होगी, उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलेंगी। और रही बात मसालेदार खाना, फिर जो हम लोग चटनी वगैरह खाते हैं वो भी, और अचार, अचार में तो बहुत सारी खट्टा होता है, वो उसमें वो जो एसिडिटी का फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उससे हमें
एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए मसालेदार खाना, चटनी, अचार और सिरका। सिरका क्या होता है, ये होता है विनेगर, तो विनेगर हम लोग नॉर्मली खाना वगैरह में डालते हैं या सिखाते हैं, तो उनको ज़्यादातर अवॉइड करें क्योंकि उससे भी एसिडिटी हो जाती है। और आपको बहुत सी बेनिफिट वाली मिलने वाली एक है जो पुदीने का पत्ता, जो हम लोग पिपरमिंट लीफ बोलते हैं, तो उसको आप बॉईल कर लीजिए और उसको आप आपके जो मील है उसके बाद में आप ड्रिंक कीजिए, तो खाना जल्दी से हजम होगा और आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, उससे भी आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। और रही बात जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, तो आप उनको अवॉइड करें क्योंकि स्मोकिंग और ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से ये भी ज़्यादा एसिडिटी फॉर्मेशन होती है। तो आपने शायद ध्यान दिया होगा, जो भी अगर आप अगर स्मोकिंग करते हैं या फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो करने के बाद में आपको एसिडिटी फील होता है, वो जस्ट जलन होती है, पेट में जलन होती है, तो आप इनको अवॉइड करें। और रही बात रोज़ आप अगर मतलब जो पानी में आप अगर नींबू और शक्कर मिलाकर पियेंगे और चीनी डालें के पियेंगे तो लंच से पहले, तो आपको उससे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगी, आपको खाना भी जल्दी हजम होगा और आपको एसिडिटी फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आप अगर रात को खाना खाने के बाद में भरपूर खाना खा लिए, तो आप जो होता है पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का आप जूस इस्तेमाल कीजिए, तो उससे आपको भी राहत मिलेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आप ज़रूर से इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और आप उसमें हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।